और हमारे युवा साथियों को खतियानी जोहार। आज झारखंड 21 साल का हो गया है, जो बच्चा बच्चा झारखंड अलग राज होने के बाद पैदा लिया था, आज वो भी जवान हो गया है। लेकिन आज जिस झारखंड की हम परिकल्पना किए थे, आज ये झारखंड में झारखंडी कौन है ये 21 साल में तय नहीं हो पाया है। ये हमारे लिए बहुत दुख का बात है कि झारखंड बना झारखंडी के लिए, लेकिन यहां का स्थानीय नीति आज तक सही तरह से परिभाषित नहीं हो सकता है। आपको याद होगा पंजाब किसके लिए बना है, गुजरात किसके लिए बना है, महाराष्ट्र किसके लिए बना है, बंगाल किसके लिए बना है, झारखंड सबका बाप के लिए बना है क्या? झारखंड झारखंडियों का बना है और झारखंड में पहला अधिकार झारखंडियों का होना है। आज 21 साल हो जाने के बाद भी झारखंडी कौन और बाहरी कौन पता नहीं है। झारखंड हम लोग को भीख में नहीं मिला है, झारखंड हम लोग को हम बलिदान और शहीदों के बदौलत मिला है। हमारे वीर बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो, सभी ने बलिदान दिया, उसके बाद झारखंड एक अलग राज्य बना। हम बोलते हैं कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, झारखंडी लड़ा है, झारखंडी मरा है, तब जाकर के झारखंड बना है। झारखंडी लड़ा है, झारखंडी मरा है, तब जाकर के झारखंड बना है। झारखंड हम लोगों को भीख में नहीं मिला है। जब हम झारखंड की बात करते हैं, यहाँ का हक अधिकार की बात करते हैं, तो हमारा हक अधिकार कौन लेते जा रहा है? सब बाहरी लोग। आपको याद होगा 2018 में जो शिक्षक नियुक्ति हुआ था उसमें 75% बाहरियों का नियुक्ति हुआ था। क्या यही झारखंड के लिए, क्या यही झारखंड हमारे लिए बना था कि हम बाहरी के लिए रोजगार दे? जब बंगाल में बंगाली ही नौकरी कर सकता है, बिहार में बिहारी नौकरी कर सकता है, गुजरात में गुजराती ही कर सकता है, तो झारखंड सबका चारागाह है क्या? नहीं। यहां पर हम आज यहां इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि बहुत हुआ अन्याय, बहुत हुआ बेरोजगारी का ध्वंस, अब युवा बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि युवा अब जाग चुका है और जब जब युवा जागा है राज सिंहासन डोला है और हम लोग एक नई उलगुलान की हम शुरुआत में आ गए हैं। ये आज हम इस धरती से प्रतिज्ञा लेते हैं बिरसा मुंडा पुराना जेल से, जहां पर बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस लिया था, कि हम बिरसा मुंडा के पद चिन्हों पर चले और हम लोग एक नया संघर्ष, एक झारखंड का नया नव निर्माण की ओर बढ़े, जिसमें झारखंडियों का ही बात होगा। कहने का मतलब 1932 खतियान का बात होगा। आज 21 साल गुजर जाने के बाद भी, सरकार के 2 साल हो जाने के बाद भी 1932 खतियान लागू नहीं हुआ। आखिर झारखंड किसका है, कौन झारखंडी है? क्या वही जिसके पास वोटर आईडी कार्ड है, क्या वो झारखंडी है? वोटर आईडी कार्ड तो बाहरी के पास भी है। क्या वही झारखंडी है जिसके पास आधार कार्ड है? आधार कार्ड तो बाहरी के पास भी है। तो झारखंडी कौन है? झारखंडी वही है जिसके पास खतियान है। आज हम लोकतांत्रिक तरीके से हम ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप पहले नीति बनाइए, उसके बाद नियुक्ति लीजिए। 1932 लागू करो, लागू करो, लागू करो, 1932 लागू करो, लागू करो, लागू करो। जमीन हमारा, नीति तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारी मांग है जिसके पास खतियान वही झारखंडी। और अभी आप लोगों को पता होगा यहाँ पर बाहरी भाषा को यहाँ पर डाला जा रहा है, भोजपुरी, मगही, अंगिका, ये क्या ये भाषा झारखंड की भाषा है? जब ये बिहार की भाषा है, बिहार में भी इसे तक आज तक राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो झारखंड में हम क्यों उसको राजभाषा का दर्जा प्राप्त देंगे? हमारे लोग बिहार में भी रहते हैं, हमारे लोग बंगाल में भी रहते हैं, हमारे लोग उड़ीसा में भी रहते हैं,
क्या वहां पर हमारा भाषा को दर्जा प्राप्त है? बाहरी भाषा नहीं चलता हो, नहीं चलता हो, नहीं चलता, बाहरी भाषा नहीं चलता हो, नहीं चलता, नहीं चलता, बाहरी भाषा नहीं चलता हो, नहीं चलता, नहीं चलता। जब हमारा भाषा दूसरे राज्य में लागू नहीं है तो हम दूसरे भाषा को झारखंड में लागू नहीं होने देंगे। और सरकार से हमारा मांग है कि जो भोजपुरी, मगही और अंगिका है, आप 2400 जिला से हटाएं और जो हमारा जो 9 भाषा है यहाँ के क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा, उसको सभी 24 जिला में लागू करें ताकि हमारा भाषा, संस्कृति और परंपरा का संरक्षण हो सके। हमारे पूर्वज कहते थे कि जो आदिवासियों का इतिहास है ये लिखित इतिहास नहीं है। आप हमारा लिखित इतिहास कहीं पर नहीं पाइएगा, ना हमारे लेखक पाइएगा। हमारे पूर्वज कहते थे कि ये जो आदिवासी का इतिहास है वो हमारे लोकगीत में है। और हमारा लोकगीत किस भाषा में है? हमारा भाषा में। अगर हम अपना भाषा को बचाएंगे तो हम अपना इतिहास और विरासत को भी बचा पाएंगे। अगर हम अपना भाषा को बचाएंगे तो हमारा संस्कृति भी बचेगी। अगर हम अपना भाषा को बचाएंगे तो हमारा परंपरा भी बचेगा। तो हम लोग को अपना भाषा का संरक्षण करना है। और ये बाहरी भाषा को जो डाला गया है यहाँ, हम किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज यहाँ आप सभी लोग लोकतांत्रिक तरीके से बैठे हैं। ये लोकतंत्र भारत का संविधान आने के बाद नहीं यहाँ हुआ है, बल्कि झारखंड में जितने भी आदिवासी लोग हैं, जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था संविधान सभा में, आप आदिवासी को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते हैं, आपको आदिवासी से लोकतंत्र सीखने का जरूरत है। क्योंकि जितना जितना ज्यादा लोकतांत्रिक आदिवासी दुनिया में लोकतांत्रिक, आप आदिवासी को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते हैं, क्योंकि जितना लोकतांत्रिक आदिवासी है शायद ही इस दुनिया में कोई और हो सकता है। आपको आदिवासी से लोकतंत्र सीखना होगा। और यहाँ पर सभी भाई बहन, माता पिता, सभी लोग यहाँ पर आए हैं, एक लोकतांत्रिक तरीके से तकिया लेकर के एक संदेश पहुंचाए हैं। और ये संदेश आज पूरे सरकार तक पहुंच रहा है, तमाम मीडियाओं के माध्यम से। और हम चाहते हैं कि ये लड़ाई की संघर्ष यहाँ से शुरू हुई है, ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। ये लड़ाई अब सिर्फ रांची में नहीं, झारखंड के पूरे 24 जिले में आग लगेगी। यही नहीं, हम ये मांग करेंगे सरकार से कि आप जल्द से जल्द 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति तय कीजिए। यदि अगर 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं बन सकता है तो जिला में जो अंतिम सर्वे हुआ है उसके आधार पर आप स्थानीय नीति बनाएं ताकि अधिक से अधिक लोग को यहाँ पर रोजगार मिल सके। ये हमारी मांग है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा आप लोगों का, आप सभी लोग थके हुए हैं, बहुत संघर्ष करके दूर दराज से लोग आए हुए हैं। तो मैं जाते जाते मैं एक बार जोरदार नारा लगाते हुए हम लोग जाएंगे, कैसे लिया झारखंड, अरे कैसे लिया झारखंड, झारखंडी एकता जिंदाबाद, झारखंडी एकता जिंदाबाद, 1932 खतियान लागू करो, 1932 खतियान लागू करो, जो झारखंडी की बात करेगा, जो झारखंडी की बात करेगा, जो खतियान की बात करेगा, जय झारखंड, जय झारखंड, धन्यवाद।